दोस्तों आखिर क्यों ग्लोरिया रैमिरेज नाम की इस महिला को दुनिया की सबसे रहस्यमयी और जहरीली यानी टॉक्सिक लेडी कहा जाता है। 19 फरवरी 1994 को शाम 8:15 पर कैलिफोर्निया में रहने वाली ग्लोरिया को जनरल हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में लाया जाता है, क्योंकि उसके दिल की धड़कन काफी तेज होती है और वो सर्वाइकल कैंसर नाम की बीमारी से जूझ रही होती है। डॉक्टर्स की एक टीम जैसे ही उसका इलाज करना शुरू करती है तो उन्हें ग्लोरिया की बॉडी पर एक चमकीली चीज नजर आती है। इस चमकीली चीज से बेहद ही अजीब सी बदबू आ रही होती है, जिसे झेलना डॉक्टर्स के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। किसी तरह दो नर्स ग्लोरिया का ब्लड सैंपल लेने के लिए उसके शरीर से कुछ ब्लड निकालती हैं। उसके ब्लड में कुछ पार्टिकल्स दिखते हैं और ब्लड से अमोनिया की बदबू आती है, जिसे सूंघते ही वो दोनों नर्स तुरंत बेहोश हो जाती हैं। कुछ ही देर में इस अजीब सी स्मेल के चलते हॉस्पिटल में मौजूद 23 लोग बेहोश हो जाते हैं और एक डॉक्टर को तो आईसीयू में भर्ती करना पड़ जाता है। 8:50 पर ग्लोरिया की किडनी फेल हो जाने के कारण उसी हॉस्पिटल में उसकी मौत हो जाती है। इसी घटना के बाद से ही दुनिया ने ग्लोरिया को जहरीली और या टॉक्सिक लेडी का नाम दे दिया। डॉक्टर्स और हॉस्पिटल स्टाफ क्यों बेहोश हुए और ग्लोरिया के शरीर पर वो चमकने वाली चीज क्या थी, इसका एग्जैक्ट रीजन आज तक किसी को नहीं पता।